हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे मफिन्स। क्रिसमस पर प्लम केक तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स और चेरीज से फुल लोडेड मफिन्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मफिन्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कीवी, 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए ड्राई मैंगो, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी, 2 टेबलस्पून चेरीज बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून ब्लैक रेजन्स यानी काली किशमिश, या फिर आप इसकी जगह 1 टेबलस्पून ड्राई ब्लूबेरी भी डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून बादाम बारीक कटे हुए, 1 टेबलस्पून हरे वाले किशमिश। और अब इन्हें सोक करेंगे 1/4 कप ऑरेंज जूस में। ये टेट्रा पैक यानी छोटे छोटे कार्टन में जो जूस आता है ये वही है। तो इसे इस तरह से सोक करने के लिए कम से कम 24 घंटे या 1 से 2 दिन भी रख सकते हैं। तो 24 घंटे हो गए हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं। अब एक बड़े पैन में 1 से 1.5 कप नमक डालेंगे और इस पर रखेंगे इस तरह से कोई स्टैंड, और इसके ऊपर रखेंगे एक बड़ी प्लेट, और अब ढककर लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट प्री हीट होने के लिए रखेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हम बिना खुशबू वाला यूज़ करेंगे। इसी के साथ डालेंगे 2 टेबलस्पून दही विस्की हुई और 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर ना हो तो नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं, बट इससे कलर अच्छा आएगा। तो अच्छे से 30 से 40 सेकेंड विस्क करेंगे। शुगर आप कम खाना पसंद करते हो तो 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तो इस तरह विस्क करने के बाद इस पर एक स्ट्रेनर रखेंगे और 1/2 कप मैदा स्ट्रेन करेंगे, और अब इसमें डालेंगे 1/8 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/8 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/8 टीस्पून दालचीनी पाउडर। इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा, साथ ही ये बॉडी को गर्म भी रखते हैं। इसी के साथ डालेंगे 1 पिंच नमक और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट सोक करके रखे थे। मिक्स करेंगे और अब डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है, और अब कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का एक्टिवेशन खत्म हो जाएगा और मफिन स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। अब इस तरह के मफिन्स मोल्ड लेंगे और इसमें रखेंगे इस तरह के पेपर मफिन्स कप्स। इसमें डालेंगे बैटर, 2/3 तक फिल करेंगे, फुल टॉप तक फिल नहीं करें, अदरवाइज ये फूलेंगे तो बाहर आ जाएंगे। इसके बीच में 1-1 ब्लैकबेरी रखेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर है तो रखें और नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाएं। तो इधर हमारा होममेड ओवन भी तैयार है। अब इसमें मफिन्स कप रखेंगे और लेड लगाएंगे। अगर आपके लेड में इस तरह होल है तो उसे फॉइल पेपर से कवर कर दें ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब इसे 35 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो 35 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाएंगे। चेक करेंगे टूथपिक की हेल्प से, अगर टूथपिक क्लीन निकल रहा है तो इसका मतलब मफिन्स बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं। इसे कूलिंग रैक पर निकालेंगे और ढककर ठंडा होने देंगे। तो 2 घंटे हो गए, ये कम्प्लीटली कूल डाउन हो गए हैं। चेक करते हैं कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट कुक हुए हैं, स्पॉन्जी भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनकर मफिन्स तैयार हुए हैं। तो इस बार इस क्रिसमस पर आप मफिन्स बनाएं और बच्चों और बड़ों को खुश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।